उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के 27वें जयंती पर उनके पुत्र उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति जितेंद्र बहादुर सहित अन्य लोगों ने इंदिरा बाल विहार स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि आधुनिक पूर्वांचल के निर्माता स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 27वीं जयंती मनाई गई है तथा उनकी बहुमुखी सोच को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने रामगढ़ ताल परियोजना, गीडा सहित अनेकों विकास कार्य किए तथा वह चाहते थे कि पूर्वांचल के लोग अपने राज्य में ही काम करें और अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह का हमेशा प्रयास रहा है कि पूर्वांचल में नई नई इंडस्ट्रीज लगे तथा स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के निधन के बाद पूर्वांचल उपेक्षित हो गया था। अब 32 साल के बाद 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके सपनों को साकार कर रहे हैं और गोरखपुर का विकास कर रहे हैं। इस अवसर पर अल्ताफ हुसैन, विक्रम बहादुर सिंह, हरिद्वार सिंह, बलराम सिंह बघेल, अमरेंद्र सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, वीर बहादुर अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा वीर बहादुर नाम रहेगा, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा वीर बहादुर नाम रहेगा, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, चांद रहेगा वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा वीर बहादुर नाम रहेगा, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे। पूर्वांचल के आधुनिक पूर्वांचल के निर्माता के रूप में देखे जाने वाले स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की आज 27वीं जन्मदिन हम लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनकी बहुमुखी सोच को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। जैसे आप देखें, रामगढ़ ताल परियोजना, गीडा, और जो वो चाहते थे कि यहाँ पर पूर्वांचल के जो हमारे बेटे हैं वो कहीं बाहर रोजगार ढूंढने ना जाएं, उनका हमेशा प्रयास रहा कि यहाँ पर नई नई आधुनिक तरह के यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएं। और ये बहुत खुशी की बात है कि उस 32 साल के अंतराल के बाद आज हमारे प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उसी तरह से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और गोरखपुर का विकास कर रहे हैं।